स्पोर्ट्स इंडिया का
सेंटर है यहाँ पे टाइगरों का, ये दोनों गर्ल्स उसी सेंटर से हैं सर। मैडम के साथ
की सहायता के मोहम्मद हसन खान तर्जित पंजोल मोहम्मद हसन कनीस फातिमा आयता के दुलशकार अली दुलप्रकार अली सोनम टुटू ला सोनम टुटू सोनम टुटू बिगर करते लक्ष्मी के हैदर अब्बास के मुंतका अली सोनम यूरोल सोनम यूरोल साई के शरद बोलवा एसीसी के कलाजो लबादा से उमुल बनी बहन पातिमा अरिफिन जिकल हरदीन जिकल अपने इरफान के उसके बाद के लतीफा बानो साई अब्बास आई जाके शमीम अली आयता के शीर्ष के मोहम्मद जल्लाली मोहम्मद अब्बास आयता के मोहम्मद अब्बास निशा कैदी सुनाम सुल्तान और शाहबाज अली थैंक यू उसके बाद दीदी दूरदर्शन के मुफासिल गुलिस्तान ये फुटेज जो तो है ये योगदान आपको
सर। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इवेंट हुआ था, इस तरह हमारा ये इवेंट सक्सेस हुआ है सर। लास्ट ईयर जो फर्स्ट यूजी में था हमारा 200 से अबव पार्टिसिपेशन था सर। इस साल थोड़ा एग्जाम्स प्लेसमेंट की वजह से बच्चों का पार्टिसिपेशन कम हुआ सर, और हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तमाम जो यूटी लगा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से विलेज लेवल तक उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे सर। साथ ही साथ हमारे मीडिया फैटर्निटी और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे इवेंट को सक्सेसफुल होने में कंट्रीब्यूशन दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस स्पोर्ट, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू थैंक। उसमें आप लोग आपने आज खुद देखा, आपने डेमो यहाँ पर देखा, इसकी प्रमोशन के लिए एडमिशन क्या कुछ कर रहे हैं? होता है कि हमारा राइट हिस्ट्री रहा है तो जैसे स्पोर्ट्स में भी लड़कों के साथ लड़कियाँ भी काफ़ी उसमें कारगिल का और पूरे देश का नाम हमने रोशन किया। रिसेंटली हमारे काशी शहनाज का भी हुआ था, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा कोशिश है कि उनको कैसे सपोर्ट दिया जाए, अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए, ताकि ये आपको अच्छी फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाए। एसोसिएशन से आज हमने डिस्कस किया इनके इश्यूज़ क्या थे, सपोर्ट के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो उनको हमने आश्वासन दिया कि इसको जल्दी से जल्दी इनको सारी चीज़ें मुहैया करने की कोशिश की जाए। और उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ इश्यूज़ हमारे सामने रखे कि प्लेयर्स को जाने में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ इश्यूज किया, वो भी हम जो हमारे सेक्रेटरी साहब उनके सामने प्रॉपर चैनल हम ये रखेंगे, ताकि बच्चों को बाहर भी हमारे कॉम्पिटिशन में जाना है तो कोई तकलीफ फेस ना। थैंक यू। आज सेकेंड यूटी चैम्पियनशिप हुआ है, कंक्लूड हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 बच्चे दोनों डिस्ट्रिक्ट से ले और करीब दोनों से पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ये हमारा हर साल हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेट कंडक्ट करते हैं। इस बार बहुत सारी परेशानियों की वजह से स्टेट थोड़ा लेट हो रहा है। इसी से इनके जो मेडलिस्ट रहते हैं, यानी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट, इनका ट्रायल लेके बाद में हम लोग जो भी नेशनल है, अलग अलग एज ग्रुप के जो नेशनल होते हैं, सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर, उनके लिए ये लोग क्वालिफाई करते हैं। एलिजिबल तभी होते हैं जब ये लोग स्टेट में मेडल लेते हैं, तो ये स्टेट में मेडल लेने के बाद इनका ट्रायल होगा और ये लोग नेशनल के लिए एक लद्दाख को रिप्रेजेंट करेंगे।